जिला मुख्यालय सहित तहसील क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों से मोबाइल चोरी के बढ़ते मामले का पुलिस ने झारखंड कनेक्शन खोज निकाला है। खास बात यह है कि झारखंड की गैंग बालाघाट के बाजारों से मोबाइल चुराकर पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में इसे बेचते थे। चोरी का खेल का संचालन नागपुर में बने ठिकानों से होता था। दरअसल पिछले कई दिनों से शहर के इतवारी बाजार से सब्जी खरीदने आने वाले लोगों की जेब से मोबाइल उड़ा ले जाने का लगातार मामला सामने आता हुआ देखते हुए पुलिस ने खोजबीन शुरू की थी। इस मामले में पुलिस ने एक 13 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग झारखंड राज्य का निवासी, जो अपने माता पिता सहित अन्य साथियों के इशारों पर बालाघाट जिला मुख्यालय सहित बारासुनी तिरुड़ी के साप्ताहिक बाजारों में मोबाइल चुराता था। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में और भी आरोपितों की पकड़े जाने की संभावना है। पुलिस जानकारी के अनुसार शुरुआत जांच में सामने आया कि जिले के अलग अलग इलाकों में हाल ही में दिनों में हुई चोरी की घटनाओं के पीछे झारखंड की गैंग का पता चला है, जो छोटे बच्चों से शातिराना ढंग से मोबाइल चुराते हैं। ये बच्चे भीड़ का फायदा उठाकर बेहद ही चालाकी से लोगों के जेब से मोबाइल चुरा लेते हैं और लोगों को भनक तक नहीं लगती। यह गैंग झारखंड में ही नहीं बल्कि नागपुर में इनका ठिकाना बनाए हुए है, जहां से छोटे बच्चों को बालाघाट, सिवनी, मंडला के अलग अलग इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार भेजकर चोरी कराई जाती है। देखिए, पिछले संडे को भी हम लोगों ने लगातार वहां पुलिस फोर्स लगा के रखा था सिविल में, और ये घटनाएं लगातार हो रही है। बाजार के दिन ही होती है, संडे के दिन, तो उसमें हमें एक नाबालिग अपचारी बालक मिला है जिसकी उम्र करीब 13 साल है, और वो मूल रूप से नया टोला महाराजपुर जिला साहबगंज झारखंड का रहने वाला है, और उसके जो आपराधिक कृत्यों में उसके माता पिता का भी सहयोग है, क्योंकि माता पिता भी वहीं झारखंड में उनकी लोकेशन आ रही है। और ये बालकचारी को हमने पकड़ के आज कोर्ट में पेश किया था और उसको आज बाल संप्रेषण गृह सिवनी भेजा गया। आगे और इसमें किस प्रकार की कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें एक तो मेरा आम पब्लिक से भी एक अनुरोध है कि वो जब भी बाजार जाएं तो अपने नीचे वाले पॉकेट में व्यवस्थित फोन रखें और फोन का ध्यान रखें। जब ये होता है कि जनरली कोई सब्जी लेने के लिए अपना नीचे झुकता है, छाटने के लिए झुकते हैं, और उसी दौरान मौका मिलता है और जो छोटे छोटे बच्चे या थोड़ी संदिग्ध गतिविधियां लगती, तो उनको थोड़ा सा आवाज़ करें और इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करें। और हम लोगों ने अब क्योंकि घटना ही लगातार हो रही थी, तो हम लोग संडे को वैसे ही पुलिस सिविल में हम रखेंगे, बट फिर भी जो ग्राहक जाते हैं उनको सचेत रहने की आवश्यकता है। चोरी खुल सकती सर अभी इसमें मोबाइल जो? देखिए, जो कुछ हमें डेटा मिला तो उस आधार पे तो पश्चिम बंगाल में भी कुछ उनके मोबाइल जो वाराणसी से चोरी हुई है, और ये इतना सातीर टाइप का अपचारी बालक है कि ये मंडला में, सिवनी में, डिंडोरी में, जहाँ जहाँ साप्ताहिक बाजार लगते हैं वाराणसी में, वहाँ उनको पता रहता है, और वो एक नागपुर में एक अपना अड्डा बना के रखे और वहाँ से मूव करते हैं ये, जहाँ जहाँ साप्ताहिक बाजार रहता है। साप्ताहिक बाजार के पहले दिन आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और तत्काल निकल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत जाती है इनको, बट उसमें और लिंक मिल रही है, हम लोग उसको प्रयास करें, उसको अच्छे से डेवलप करें।